नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मैकेनिकल टेक में। आज के इस वीडियो में हम वाटर फ्लो स्विच के बारे में जानेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो ये रेड कलर का कवर जो लगा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इस कवर को ओपन कर दिया हूँ और जो भी इसमें लगा हुआ है कंपोनेंट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है, माइक्रो SW है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नीचे में जो ये प्लेट लगा हुआ है वो स्विच सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है, ताकि इसका इसके ऊपर ये बना रहा है। और ये जो देख रहे हैं स्क्रू, ये एडजस्टिंग स्क्रू है, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करके इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और नीचे में जो ये प्लेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस प्लेट का नाम सीसा प्लेट है। और जो एक कापर जो दिखाई रहा है, कापर टाइप में जो मेटल्स लगा हुआ है, ये बेलोज है। और वाटर फ्लो स्विच में यहाँ पे तीन टर्मिनल दिखाया हुआ है। जो फर्स्ट टर्मिनल है ये कॉमन है, ये वाला जो दिख रहा है, और जो सेकंड है वो NO है, और थर्ड वाला NC। जो NO है ये स्टार्ट करने के लिए आता है, नॉर्मली ओपन रहता है, और ये नॉर्मली क्लोज है यहाँ पे। चलिए हम इसको अभी पेपर पे इसका वायरिंग करके मैं बता देता हूँ ये कैसे रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीन टर्मिनल है, 1, 2 और 3। जो फर्स्ट टर्मिनल है ये कॉमन है, और जो सेकंड वाला है ये NO है, इसको हम नॉर्मली ओपन बोलेंगे, और थर्ड वाला NC है, नॉर्मली क्लोज। अगर जो इसका फ्लो अगर जो रुका हुआ है, पानी नहीं बह रहा है, वाटर वगैरह चाहे जो भी हो लिक्विड्स, तो इसका कनेक्शन जो कॉमन है वो NC से कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे NC से कनेक्ट रहेगा। और दूसरा मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो तीनों टर्मिनल्स हैं ये जो कॉमन और NO और NC, यहाँ पे जो ये कॉमन है वो क्या है कि NO से कनेक्ट रहेगा फ्लो के माध्यम से। जब अगर जो इसमें फ्लो होगा तो क्या होगा, ये NO से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मैं पूरा प्रोसेस अभी पाइप पे भी मैं सेटिंग करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे सेटिंग करना है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। जैसे देखिए, अगर जो ये फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो जैसे होगा तो कॉमन NO में कनेक्ट हो जाएगा NC से, और इसका सिग्नल फायर पैनल में जाएगा, और वहाँ से पता चल जाएगा कहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। हर एक जोन का अलग अलग सेटिंग रहता है। और इसमें हम क्या करेंगे, पैडल को एक स्क्रू ओपन करके और इसमें ये सेटिंग कर देंगे। हर एक साइज़ के लिए अलग अलग ये आता है, जैसे 6 इंच हुआ, 4 इंच के लिए, 3 इंच के लिए। अगर जो ज़्यादा बड़ा भी हो तो हम इसको थोड़ा सा कटिंग करके भी लगा सकते हैं इंड पोजीशन से। तो चलिए हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद से मैं पाइप में इसको फिटिंग करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे इसको फिटिंग करना, एरो
का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए वन इंच का थ्रेड है, वाटर फ्लो स्विच में वन इंच का जो थ्रेड दिया हुआ है इसको हम सॉकेट में फिटिंग करेंगे। अभी ये देख सकते हैं ये फिटिंग हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको कैसे फिटिंग करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस पर हम इसके थ्रेड पे हम क्या करेंगे, टेप्लन टेप लपेट देंगे। और ये है बटरफ्लाई वाल, और एक साइड में नीचे में ड्रेन है। इसका प्रोसेस होता है जब भी कहीं भी लगाना हो तो बटरफ्लाई वाल और ड्रेन के बीच में इसको लगाया जाता है, ताकि वाटर का अगर जो कहीं लीकेज हो वाटर वगैरह तो ये फायर पैनल को तुरंत सूचित करें और जिससे पता चल जाए कि हाँ वाटर लीकेज हो रहा है। एक इंच के सॉकेट में इसको हम टाइट कर दिए हैं, और जो इसका एरो का डायरेक्शन है, जो ड्रेन और स्प्रिंकलर लाइन होता है इसी के डायरेक्शन में होना। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।